कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। भारत भी इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना प्रभावित मरीजों का आंकड़ा 75 पार कर गया है। वहीं कर्नाटक में कोरोना की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ये भारत में कोरोना की वजह से होने वाली पहली मौत है। पूरी दुनिया में कोरोना से 4,980 लोगों की मौत हो गई है और करीब 1,35,000 लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी पूरी अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच कर्नाटक में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। यह कोरोना से मौत का भारत में पहला मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई। मृतक की उम्र 76 साल की थी और वो सऊदी अरब से लौटा था। राज्य सरकार ने गुरुवार को बताया कि इस व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदेह था, जिस कारण उसका इलाज चल रहा था। मृत्यु से पहले लिए गए उसके नमूनों की जांच में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बी श्री रामलुलू ने ट्वीट किया कि इस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उन्हें पृथक रखने और प्रोटोकॉल में शामिल अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के संयुक्त निदेशक संक्रामक रोग डीजी प्रकाश कुमार ने कहा कि शव के अंतिम संस्कार में सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार सऊदी अरब से वापसी के बाद उसमें वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। बाद में 6 मार्च को उसे बुखार और खांसी हुई। एक डॉक्टर ने उसके घर जाकर उसे देखा और इलाज किया। उन्होंने बताया कि लक्षण ज्यादा दिखने पर 9 मार्च को उसे कलबुर्गी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस निजी अस्पताल में उसके वायरल न्यूमोनिया से ग्रस्त होने और कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका की बात सामने आई थी। अधिकारी ने बताया कि 9 मार्च को व्यक्ति का नमूना लिया गया। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर उसके तीमारदारों ने जोर दिया कि मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए और वे उसे हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में ले गए। मरीज को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज हुआ। उसे मंगलवार को कलबुर्गी स्थित गुलबर्गा मेडिकल साइंस संस्थान लाया जा रहा था। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। कर्नाटक में अभी तक 5 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल भारत के 13 राज्यों में कोविड-19 ने सेंध लगा दी है। दिल्ली में 6, हरियाणा में 14, केरल में 17, राजस्थान में 3, तेलंगाना में 1, उत्तर प्रदेश में 11, लद्दाख में 3, तमिलनाडु में 1, जम्मू कश्मीर में 1, पंजाब में 1, कर्नाटक में 5 और महाराष्ट्र में 12 कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली, हरियाणा और केरल ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को एहतियातन कई बड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अभी तक जो जो मेजर्स लिए गए हैं उन सारे मेजर्स का रिव्यू किया गया और आगे कुछ निर्णय लिए गए हैं। एक तो ये कि सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं है, जो एग्ज़ाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे, बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो क्वारंटाइन करने के लिए सफिशेंट बेड्स हम लोगों के पास हैं, मतलब अगर किसी को आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन करना है, तो उसके लिए सफिशेंट बेड्स का इंतजाम किया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत ने दुनिया के किसी भी देश से आने वाले लोगों का वीज़ा 15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिया है। कार्ड होल्डर को दी जाने वाली वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा भी 15 अप्रैल तक के लिए रोक दी गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही खबरों के ताज़ा तरीन अपडेट्स और एक्सप्लेनर्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।